गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड स्पेक्ट्रम दैट इज गिवन इन द चैप्टर 6 ऑफ क्लास 10th. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ द डिस्पर्शन. स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन. मींस वी नो दैट वाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर. ठीक है. सो वेन एवर वाइट लाइट इज गेटिंग स्प्लिटेड इन टू अ 7 कलर, सो दैट फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन. ठीक है. वाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई है. ठीक है. और जब वो वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, मीन्स वाइट लाइट से जब सारे 7 कलर अलग हो जाते हैं, दिखने लगते हैं 7 कलर, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन. ठीक है. स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मीन्स बैंड ऑफ 7 कलर ऑफ वाइट लाइट. यानी कि जब वाइट लाइट को हम लोग स्प्लिट कराते हैं तो वो 7 कलर में कन्वर्ट हो जाती है वाइट लाइट, और जब वही वाइट लाइट का पैटर्न हमको मिल जाता है स्क्रीन पे तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं. अब इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन एक्सपेरिमेंट. दैट एक्सपेरिमेंट वी विल सी दैट हाउ द लाइट इज गेटिंग स्प्लिटेड इन टू अ 7 कलर. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट दिस वन इज अ प्रिज्म. ठीक है. और ये जो इतना एरिया है प्रिज्म का, सबको कवर कर दिया गया. ठीक है. और एक ये छोटा सा एरिया ही ओपन है जिसमें से क्या आ सकती है, एक बीम ऑफ वाइट लाइट. ठीक है. ये एरिया जो है ये सारा क्या है, कवर है. बस इतना ही एरिया खुला है जिसमें कौन सी लाइट आ सकती है, अब बीम ऑफ वाइट लाइट, मींस वाइट लाइट की जो एक बीम है वो आ सकती है. ठीक है. वाइट लाइट का मतलब जो सन से जो लाइट आ रही है उस लाइट को हम लोग वाइट लाइट कंसिडर करते हैं. ठीक है. सन से जो लाइट आ रही है उस लाइट को हम लोग वाइट लाइट कंसिडर करते हैं. ठीक है. तो अब ये वाइट लाइट जो है ये प्रिज्म के फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक की. रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्रिज्म का क्या होता है, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, ये. ठीक है. तो पहले जो वाइट लाइट है वो प्रिज्म के फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक की. तो प्रिज्म जो है वो ग्लास है, ये क्या है, एयर है. इधर एयर है, इधर ग्लास है. तो मींस ये रेयरर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है. मींस अगर वाइट लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो कौन सा प्रोसेस होगा, रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा. ठीक है. तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस हुआ तो उससे क्या हुआ कि ये जो वाइट लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट हो गई. ठीक है. अभी यहाँ तक एक ही बीम लाइट की दिख रही थी और यही एक बीम किस में कन्वर्ट हो गई, 7 बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो गई है. ठीक है. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ. और रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, लाइट जो है वो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में गई, इसलिए रिफ्रैक्शन हुआ. ठीक है. अब रिफ्रैक्शन क्यों होता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हर मीडियम में चेंज होती है. मींस वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है, फिर एयर, और उसके बाद से लिक्विड में स्पीड ऑफ लाइट और कम हो जाती है, और जो सॉलिड होता है, ग्लास होता है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो मिनिमम हो जाती है. ठीक है. तो अब हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ये जाननी होगी कि ये वाइट लाइट जो है वो एक्चुअली क्या है, 7 कलर का मिक्सचर है. ठीक है. और जब ये वाइट लाइट वैक्यूम में जाती है, मींस स्पेस में जब मूव कर रही है, तो वहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा. तो जो 7 कलर हैं, रेड, ग्रीन, वायलेट, जितने भी ये 7 कलर हैं, वो सब सेम स्पीड से चलते हैं. ठीक है. बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो मीडियम आ गया ना, ये एयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है, तो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया. तो रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा कि जो रेड की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे ऊपर रहेगी. क्यों ऊपर रहेगी, क्यों, क्योंकि वो बेंड कम हुई. ठीक है. इसी तरीके से और जितने कलर हैं वो सारे के सारे स्प्लिट हो गए. क्यों स्प्लिट हो गए, क्योंकि सबकी स्पीड क्या है, डिफरेंट है मीडियम में. ठीक है. अगर वैक्यूम की बात होगी तो सारे कलर की स्पीड सेम है, मगर अगर मीडियम की बात करेंगे तो हर कलर की स्पीड जो है वो डिफरेंट है. रेड की स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए उसका डेविएशन कम है, जिसके वजह से रेड जो है वो ऊपर रह गई. ठीक है. और वायलेट जो है
उसका जो है स्पीड जो है कम है, तो उसके वजह से उसका जो डेविएशन है वो बहुत ज़्यादा है। ये देखो, ये वाइट लाइट यहाँ पर स्ट्राइक की और वायलेट कहाँ चला गया, सबसे नीचे चला गया ना, यानी कि वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि वायलेट की स्पीड कम थी और उसका वेवलेंथ कम था, ठीक है। और ये वाइट लाइट स्ट्राइक की और रेड वाली जो है वो सबसे ऊपर है। क्यों सबसे ऊपर है? क्योंकि इसका डेविएशन कम हुआ। क्यों डेविएशन कम हुआ? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा थी और वेवलेंथ ज़्यादा थी, इसलिए इसका डेविएशन जो है वो कम हुआ, ठीक है। तो अब ये देखो कि ये जो वाइट लाइट है वो एक बीम थी, मगर जब प्रिज्म में गई तो ये सेवन कलर में आ गई। ये देखो, सेवन बीम बन गई। तो ये क्या हुआ? स्प्लिट ऑफ लाइट हुआ, यानी कि लाइट जो है वो टूट गई। कितने हिस्सों में? सेवन कलर में ये टूट गई। इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं। यहाँ पर स्प्लिट हो गई ना वाइट लाइट सेवन कलर में, तो ये जो स्प्लिट हुआ है वाइट लाइट का सेवन कलर में, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन बोलेंगे, ठीक है। और जब ये स्प्लिट हो गई व्हाइट लाइट सेवन कलर में, तो ये सारे सेवन कलर इस स्क्रीन पे आ गए। ये स्क्रीन है, ठीक है। देखो, ये रेड है और बाकी सारे कलर हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो सब हैं, और लास्ट में क्या है? वायलेट है। तो ये सारे सेवन कलर क्या है? स्क्रीन पे आ गए। तो ये जो हमको पैटर्न मिला है सेवन कलर का और जो बैंड मिला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो सेवन कलर का पैटर्न या बैंड है वो स्पेक्ट्रम हो गया, और जो ये व्हाइट लाइट सेवन कलर में जो ये टूट गई, स्प्लिट हो गई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन बोलेंगे, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कि यही पूछा जाता है कि रेड कलर किसका डेविएशन सबसे कम होगा। तो रेड कलर का डेविएशन जो होगा वो लीस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड और वेवलेंथ क्या है? वेरी हाई है, ठीक है। वायलेट कलर का डेविएशन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड और वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है, ठीक है। और वैक्यूम के केस में जितने भी कलर हैं, मींस रेड, येलो, वायलेट, सब के सब सेम स्पीड से मूव करेंगे, और वो स्पीड होगी स्पीड ऑफ लाइट, मींस 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड।